गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में अध्ययन किया था। तो आपने पिछले वीडियो में प्रेजेंट सिंपल टेंस के एफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरगेटिव एवं डब्ल्यूएच टाइप के क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन किया है। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग विच हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उन कार्यों के लिए करते हैं जो बोलते समय चल रहे हैं। हम जब कोई से बातचीत कर रहे हैं और उस समय जो घटनाएं चल रही हैं या जो भी इवेंट चल रहा है उसके बारे में यदि बात करना है तो हमको कौन सा टेंस यूज करना पड़ेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सर इसको उदाहरण देखो, आई एम स्टडिंग, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज राइजिंग वेरी फास्ट, द सन इज शाइनिंग, सम ऑफ द मैन आर ड्रिंकिंग कॉफी, वन ऑफ द बॉयज इज वॉकिंग टू द सैंड, सम बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द वर्ल्ड। तो ये एग्जाम्पल है, इसमें हमने सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? एम, यहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? इज, यहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? इज, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब आर, और यहां पर इज, और यहां पर आर का भी यूज किया है। और वर्ब का जो मेन वर्ब फॉर्म है उन सारे वर्ब के फॉर्म में आई एन जी फॉर्म यूज किया है। देखो यहां पर, तो इसका स्ट्रक्चर होगा। अब हम इनका यहां पर टेबल देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी वो हमको देखना है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन सा होता? आई, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा? एम, आई एम, तो आई के साथ हमेशा एम आता है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी होता है, तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी? आर, और वर्ब के साथ आई एन जी फॉर्म रहेगा। अब हम सेकंड पर्सन देखते हैं, तो सेकंड पर्सन यू, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा रहेगा? आर, और वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा? आई एन जी। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी और इट, ये तीन आते हैं, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी? हमेशा इज, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी फॉर्म रहेगा, गोइंग। और दे जो है प्लूरल है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर रहेगा, ये बच्चे ध्यान रखेंगे। अब हम यहां पर बच्चे देखो, एक छोटा सा एक्सरसाइज है, हमको हेल्पिंग वर्ब को देख करके सही आंसर इसके चुनना है। तो यहां पर देखो, इस खाली स्थान में क्या आएगा? तो ये वर्ब सेम लिखा हुआ प्लेइंग, सिर्फ हमको ये चेक करना कि एम, इज, आर कौन सा सही है। तो आई के सामने मैंने बताया है कि आई के साथ हमेशा एम आता है, तो इसमें ये वाला करेक्ट रहेगा, आई एम प्लेइंग। अब यू है, यू के साथ मैंने क्या बताया था अभी कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब रहेगा? आर, तो सही कौन सा आंसर होगा? यू आर प्लेइंग। अब यहां पर देखते ही, की थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ही के साथ क्या आएगा? इज, तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला रहेगा, ही इज प्लेइंग। सी, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ सही आंसर कौन सा होगा? सी इज प्लेइंग। अब इसके बाद आगे देखो, नेक्स्ट इट, इट सिंगुलर है तो इट के साथ क्या आता है? इज, तो ये वाला आंसर सही रहेगा। वी प्लूरल है तो उसके साथ यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है? आर, तो ये वाला आंसर सही होगा। ये यहां पर देखो, यू, यू के बाद क्या आता है? आर, तो यू आर प्लेइंग। और यहां पर दे, दे के साथ भी आर आता है, तो यह आंसर सही होगा। अब हम यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस निगेटिव के बारे में बात करते हैं। तो निगेटिव के लिए हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो एच एम आर होता है उसके बाद हम उसको नॉट लगा देते हैं। तो हमने यहां पर एफर्मेटिव और निगेटिव में कंपेयर किया है। तो यहां देखो, पहला एफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? आई एम ईटिंग, इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? आई एम नॉट ईटिंग। हमने क्या किया है? एम के बाद नॉट यूज किया है। यू आर ईटिंग, तो इसके बाद यू आर नॉट ईटिंग, यहां पर हमने क्या किया? नॉट का यूज किया है। अब इसी तरह से ही, सी, इट, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? इज आता है। तो जब निगेटिव बनाएंगे तो इज के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। वी, यू, दे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है? आर, इसके साथ निगेटिव क्या आएगा? आर नॉट।
यहां पर फिर हम एक एक्सरसाइज करते हैं, हमको यहां पर हेल्पिंग वर्ब सही वाली सही हेल्पिंग वर्ब चूज करना है कि क्या रखेंगे। तो हमने अभी पहले बताया है कि आई के साथ हमेशा एम आता है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, एम। आई एम वर्किंग टूडे। शी, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती, इज। तो सी इज वेयरिंग सनग्लासेस। दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती, आर। दे आर ईटिंग सूप। सी के बाद क्या आता है, इज। सी इज गोइंग होम। वी के बाद कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती, आर। वी आर प्लेइंग द पियानो। इट के बाद क्या आता है, इज। द डॉग इज, द गर्ल्स प्लूरल है इसलिए आर। तो आपको इस तरह से आंसर सही आंसर चूज करना है। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव देखेंगे। तो हम इंटरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, क्या करते हैं कि जैसे एफर्मेटिव दिया है, आई एम ईटिंग, तो एम जो है हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले ले आते हैं। तो क्या बन जाएगा, आई एम ईटिंग एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, एम आई ईटिंग, क्या मैं खाता हूं। तो उसका आंसर क्या है, अगर हम आंसर देना चाहें तो क्या आंसर देंगे, यस या नो, यह आंसर आते हैं। तो इनके सारे इनके आंसर जो यस नो होते हैं। दूसरा देखिए, यू आर ईटिंग, तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, आर यू ईटिंग। तीसरा देखें, ही सी इट, इसके साथ इज है हेल्पिंग वर्ब, और जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इसको हम पहले लिख देंगे। इसी तरह से अगला देखें, वी यू दे आर ईटिंग, तो आर को हम पहले लिखेंगे तो आर वी यू दे ईटिंग, ये आर कैंसिल कर देना इसको। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव की एक्सरसाइज देखते हैं। तो हमको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना पड़ता है, तो इसमें सही हेल्पिंग वर्ब क्या होगी वो आपको चेक करना है। तो हम यहाँ देखते हैं, द सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, सबसे पहले इज। दूसरा देखो, यू, तो यू के पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, आर। और यहाँ आई के साथ क्या आता है, एम या एम, तो यहां बन जाएगा एम आई स्टडिंग इंग्लिश। और वी के साथ क्या आता, आर, तो आर वी बाइंग फूड। और चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए यहां पर आएगा आर। और यहां पर क्या आएगा, सिंगुलर है इसलिए इज। और दे के साथ क्या आता है, आर। और आई के साथ क्या आता है, एम। तो इस तरह से आपके इंटरगेटिव बन गए। अब हम एक एक्सरसाइज देखते हैं, इसमें आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का आईएनजी फॉर्म ये आपको फिल करना है। तो जैसे हमने यहां लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है, आई, तो आई के साथ क्या आता है, एम। और लर्न का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, लर्निंग, ठीक है। दूसरा देखो, सी, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज। और रीड का हेल्पिंग वर्ब कैसे, मेन वर्ब कैसा हो जाएगा, रीडिंग। यू, यू के साथ क्या आता है, आर। और सिंगिंग का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंगिंग। वी, वी के साथ देखो, वी आर प्लेइंग। इसी तरह से सभी भरेंगे और इसका कंप्लीट करने के बाद हमको चेक कराएंगे। अब हमको अभी हमने जो एक्सरसाइज की है उसमें एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उन सारे सेंटेंस का निगेटिव हमने ये एक्सरसाइज कराई, इसको आप, इसका आपको निगेटिव और एफर्मेटिव, सॉरी निगेटिव और इंटरगेटिव दोनों बनाना है आपको। आपको जो पहले एक्सरसाइज है उसका निगेटिव और इंटरगेटिव में बदल के आपको दिखाना है। थैंक यू।